दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित विभिन्न अवस्थापना विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास तथा जनसभा कार्यक्रम के अवसर पर कुल 8,025.47 लाख रुपए की लागत की 123 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें कुल 3,993.53 लाख रुपए की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा कुल 4,071.94 लाख रुपए की लागत की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। सभी परियोजनाओं विधानसभा गोरखपुर ग्रामीण पिपराई सहजनवा बासगांव खजनी क्षेत्र की है। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास किसी क्षेत्र विशेष हेतु सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जनपद के जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए होता है। विकास के लिए धन की कमी नहीं है, आवश्यकता है कि उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध ढंग से सदुपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन, खुशहाली एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है और जीवन के साथ ही जीविका को भी बचाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं, इसके प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति मास्क पहने या सुरक्षा प्रदान करता है और मास्क तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में सफल है, इसके प्रति सभी को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखते ही इसे छिपाने के बजाय जांच कराकर उपचार कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से बचने के नियमों मापदंड का पालन करते हुए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति अवश्य कराए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था प्रदान की है। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच है, सतर्कता व सावधानी ही इस महामारी से बचाव है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, इसका लाभ हर पात्र जन को पहुंचाया जाए। हम सभी को निर्बाध रूप से इन योजनाओं का स्वागत करना चाहिए। कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, ऐसे बच्चों के या उनके कानूनी अभिभावक के बैंक खाते में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जल्द ही 4,000 रुपए दिए जाएंगे और निःशुल्क आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही कोरोना के कारण निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर रह सकें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों को मेडिसिन किट वितरण के साथ ही सफाई, सैनिटाइजर आदि की कार्यवाही चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पटरी व्यवसायों के लिए एक अच्छी योजना है, जिसमें गरीब पटरी व्यवसायों को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के विकास संबंधी सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। एम्स व फर्टिलाइजर का लोकार्पण अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टि से एम्स का निर्माण कराया गया है। वहीं फर्टिलाइजर से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पर्यटन विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित करता है। विकास को अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर उसकी देखभाल व रखरखाव किया जाए, ताकि इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिले। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर विमलेश पासवान, संत प्रसाद ने स्वागत अभिवादन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक शीतल पांडे ने कहा, मंच पर हो चुका है। इस सभागार में होता हुआ सुख समृद्धि चरण पखारे, यश कीर्ति निच्छवर झले, आगत जीवन में नव कीर्ति के पुष्प खिले। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, धर्म और नियम के सामंजस्य से पूरित निस्वार्थ माननीय विधायक, बांसगांव क्षेत्र
श्री विमलेश पासवान जी का हार विधायक ग्रामीण क्षेत्र, श्री विपिन सिंह सर का हार्दिक स्वागत एवं श्रीमती संगीता यादव मैम का हार्दिक स्वागत वर्तमान में मंच पर आसीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर भगवान के चरणों में दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीपो हरपम दीप ज्योति नमोस्तु दे शुभल्या। माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह सर से सादर अनुरोध है। हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बजाने वाले पूज्य महाराज श्री, साथियों अभी कल पूज्य महाराज श्री का बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक करके गोरखपुर में पदार्पण हुआ और पूज्य महाराज श्री ने कल गोरखपुर नगर विधानसभा के लिए 63 करोड़ रुपए की सौगात दी और आज पूज्य महाराज श्री ने तीनों विधानसभाओं का, इसमें ग्रामीण विधानसभा में नगर का हिस्सा पड़ता है ज्यादा, पूज्य महाराज श्री ने बहुत ज्यादा सड़कों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम पूज्य महाराज श्री को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मित्रों जहां आप बैठे हैं, ये स्वप्न था 200-2500 साल से इसके लिए आंदोलन होता था कि गोरखपुर पे छागिरी के लिए हमारे रंगकर्मी बहुत आंदोलन किए, लेकिन पूज्य महाराज जी ने आज इतना सुंदर पेछागिरी गोरखपुर वासियों को दिया। जिस क्षेत्र में आप हैं रामगढ़ ताल में साइड में आप देखें, चाहे नौकायन हुआ चाहे इतना विहंगम चिड़ियाघर, पूज्य महाराज श्री ने 289 करोड़ रुपए से गोरखपुर वासियों को सौगात दिया। साथियों अभी 5 तारीख को पूज्य महाराज श्री ने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन का लोकार्पण किया, इसमें बहुत ज्यादा लोग खोराबार ब्लॉक के हैं या नगर क्षेत्र के भी हैं, सारे लोग जानते हैं बरसात के समय में चाहे मेडिकल रोड हो चाहे गोलघर हो, ललातपुर बेतिहाता यूनिवर्सिटी मोहद्दीपुर सही शाहपुर सारे इलाके का पानी इसी रामगढ़ ताल के तरकुलानी पंपिंग स्टेशन को जाता था, लेकिन बाहर नहीं हो पाता था बरसात के समय में, खास करके दक्षिणांचल में इतना जल जमा होता था कि शहरी पोर्शन में नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन साथियों पूज्य महाराज श्री ने उसका भी लोकार्पण कर दिया और बरसात के समय में कहीं जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, ऐसा गोरखपुर वासी पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई दें, ताली बजा करके। साथियों महाराज जी के कृपा से बहुत सारे काम हमारे नगर क्षेत्र में इस वार्ड में हुए, क्योंकि घनी बस्ती है और ये व्यापारिक केंद्र भी है, तो हमारा उद्देश्य है कि इनके क्षेत्र में रहने के कारण कि इनका मैं विकास करूं। साथ ही साथ मैं इनके क्षेत्र में गया था, विभिन्न कार्यक्रम में विपिन सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया था, मैं गया था और 10-15 साल पहले हमें उम्मीद है कि महाराज जी के साथ हम लोग तरकुलानी में भी गए थे, बंदे से होकर के मैं गया था इनके क्षेत्र में, जहां पर चलना ही मुश्किल था पैदल, मैं 4-व्हीलर से गया और जहां जाना था हमें अच्छी सड़कें मिली, पक्की सड़कें मिली, मैं वहां पहुंचा। ये महाराज जी के विकास की क्षेत्र सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो और उन्होंने करके दिखाया। तरकुलानी रेगुलेटर पर जाना मुश्किल था, पैदल जाना मुश्किल था, माँ के किसानों की दुर्दशा महाराज जी ने देखे और तरकुलानी रेगुलेटर बना करके उस क्षेत्र के रहने वाले किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाने का काम किया है, दोनों फसलें वहां पर होगी और उस से पानी शहर का निकलेगा ही, ग्रामीण क्षेत्रों को भी काफी फायदा होगा। ये सब बातें महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी ने हमें जिम्मेवारी दी है
विधायकों को जिम्मेवारी दी है तो सबका दायित्व तो बनता है कि महाराज जी का सम्मान किसी भी तरह से धूमिल ना हो, हम उसको और उजागर करें। इस मंच पर हमारे पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी हैं, हम लोगों के मित्र विधायक शीतल पांडे जी, सजनवा संत प्रताप जी खजनी, बिमलेश पासवान जी पाव गांव, श्रीमती संगीता यादव चौरी चौरा, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्री अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष श्री जुडिस्टर सिंह जी, नगर निगम के उपसभापति और हमारे सहयोगी हमारे साथ मिलकर नगर निगम की सारी योजनाओं को संचालित करने में हमारा पूरा पूरा सहयोग करते हैं। इसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हमारे अतिथिगण के संपन्न के सानिध्य में संपन्न करें। आज इस सभागार में 14 जुलाई 2021 को कुल 31.50 करोड़ की 133 परियोजनाएं नगर निगम गोरखपुर लोकार्पित एवं शिलान्यासित होती हुई। आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भगवान भास्कर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर से हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उपसभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी और आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विकास अब सीमित नहीं है किसी विधानसभा, किसी जनपद या किसी क्षेत्र विशेष में, बल्कि विकास का लाभ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। वास्तव में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, बल्कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के
अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही है। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग वो जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती है, फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत तो हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। ये जितनी परियोजनाएं, कल भी मैंने नगर निगम की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज गोरखपुर ग्रामीण का जो नगरीय क्षेत्र है उन परियोजनाओं का पिपराइज, चोरी चोरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा ये परियोजनाएं जो पूरी हुई है किस कालखंड में पूरी हुई है, जब दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का अभियान ही जीवन है। हमें दोनों पर ध्यान देना होगा और इसलिए जब हम विकास की बात कर रहे हैं मेरा आप सबसे आग्रह होगा, कोरोना वायरस कमजोर जरूर हुआ है, शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के एक प्रयास किया। प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किए उस प्रयास का प्रतिफल है कि आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रण में है। लेकिन लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दातून करते हैं, नित्य कृता से
से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद अपना सारे कार्यक्रमों को आगे संपन्न करते हैं, उसका एक पार्ट बनाइए कि जैसे आप अपना कपड़ा धारण करते हैं वैसे ही मास्क भी आपके मुंह पर जरूर रहना चाहिए। अच्छा है घर के अंदर भी रखें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम घर के बाहर निकलने पर तो मास्क जरूर रहना चाहिए और मास्क पूरा पहनना चाहिए। ये मास्क तमाम प्रकार के इंफेक्शन से आपको बचाएगा, याद रखना तमाम प्रकार के इंफेक्शन से बचाएगा। असुविधा जरूर होती है लेकिन यह सुविधा तात्कालिक है, लेकिन इस मास्क के कारण लंबे समय तक आप तमाम प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। और कोरोना से बचाव की पहली शर्त तो मास्क ही है, हमें नहीं बोलना चाहिए, ये मास्क आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए पहली शर्त हम स्वयं अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करें। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, उत्तर प्रदेश ने जो एक मॉडल दिया है कोरोना पर नियंत्रण करने का, आबादी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली लहर के समय कुछ मंत्र दिए थे, ट्रेस, यानी जहां कहीं भी कोई कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है उसको चिन्हित करना, उनके संपर्क में कौन कौन आए हैं उन सबको भी चिन्हित करना, चिन्हित करने के साथ ही उनका टेस्ट भी करा लेना, और टेस्ट कराने के साथ ही अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, घर में व्यवस्था है तो होम आइसोलेशन के लिए, और अगर घर में व्यवस्था नहीं है, लक्षण युक्त है, उसे तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए शासन ने सुविधाएं दे रखी है, उन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। यानी टेस्ट बचाने के बाद हॉस्पिटल में या फिर होम आइसोलेशन में उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, मेडिसिन किट गांव गांव बांटी जा रही है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी निगरानी समितियों ने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनी हुई निगरानी समितियां, शहरी क्षेत्र में हमारे जो पार्षद गण हैं उनकी अध्यक्षता में जो निगरानी समितियां बनी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व के कर्मी, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए कर्मी, ये सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, और कितना बेहतर काम उन्होंने किया, एक एक घर में पहुंच गए, हर लक्षणयुक्त व्यक्ति को उन्होंने दवा दे दी। 27 जून से बच्चों की मेडिसिन किट भी गांव गांव में पहुंच रही है, 4 कैटेगरी बच्चों की भी की गई है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18, नवजात शिशु है तो उसको दवा ड्रॉप के रूप में, 1 से 5 वर्ष का बच्चा हो सकता है टैबलेट लेने में दिक्कत हो तो लिक्विड फॉर्म में उसके लिए दवा उपलब्ध कराई गई, शेष अन्य बच्चों के लिए उसकी आयु के अनुसार दवा उपलब्ध कराई गई, और गांव गांव में निगरानी समितियां इस दवा को लेकर के आज भी जा रही है। हमारा दायित्व क्या बनता, निगरानी समिति से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देना, हमारे गांव में आए उनका प्रॉपर सम्मान हो। कोरोना कालखंड में जब तमाम लोग भयभीत थे, अपने स्वयं का बचाव करने में लगे थे, उस समय निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही थी, एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी, जीवन को बचाने के लिए स्वयं के जीवन को दांव पे लगा करके गांव गांव और घर घर जाकर के वे लोग कार्य कर रहे थे, बड़ा अभिनंदनीय कार्य किया। इसलिए उन लोगों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके द्वारा किए गए परिश्रम ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को
मोहल्ले मोहल्ले को कोरोना महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही कर लें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के नियमों का पालन करें। उसके लिए जो निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था दी है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट का। दूसरा, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह है वैक्सीनेशन का। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, फ्री में है। आप देख लीजिए, अगर प्राइवेट में यही वैक्सीन 600 और 1200 रुपए में है एक वैक्सीन, और सरकार फ्री में लगा रही है, और तब भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग एक डोज ले रहे हैं, दूसरी डोज ले नहीं रहे। जो निर्धारित समय सीमा है, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर दोनों डोज ले लेना, ये एक सुरक्षा कवच देगा। क्योंकि जब तक कोरोना का पूरा खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक सतर्कता और सावधानी ही और सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्था ही हमें इस महामारी से बचाएगा, हमें और हमारे परिवार को इस महामारी से बचाएगा। आपने देखा होगा, ये महामारी बहुत सारे लोगों के स्वजनों को, प्रियजनों को असमय ले गई है। बहुत सारे परिवारों के सामने संकट आया, लेकिन संकट के समय सरकार का संबल उनके साथ में है। आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी तमाम प्रकार की घोषणाएं गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए की। पहली लहर के बाद अब दूसरी लहर भी आई, मई से लेकर के दीपावली तक हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न की व्यवस्था हर एक गरीब के लिए की जा रही है। और राज्य सरकार ने भी जून जुलाई और अगस्त 3 महीने के लिए हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को, पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय का कार्ड धारक हो, उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारा दायित्व तो बनता है कि खाद्यान्न की इस योजना का लाभ पूरी ईमानदारी के साथ हर एक नागरिक को मिल सके, ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम हर एक नागरिक तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर सके। सरकार उनके साथ में है। आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से एक योजना प्रारंभ की है। कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, 4000 रुपए हर महीने सरकार उन बच्चों को देने की योजना बना चुकी है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम ये पैसा उन बच्चों के खाते में और उनके लीगल गार्जियन के खाते में देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई, आधुनिक अत्याधुनिक पढ़ाई की उनको हो सके, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। बहुत सारे ऐसी महिलाएं होंगी जिन लोगों ने अपने, जो इस कोरोना कालखंड में निराशित हो गई होंगी, हमने पहले ही सरकार ने इस बारे में तय किया है कि कोरोना के कारण निराशित हुई महिलाओं के लिए भी सरकार योजना बनाएगी। और इसके लिए सरकार ने तय किया है एक कैंप लगा करके उनके लिए पेंशन की योजना के फॉर्म भरवाना और उनको पेंशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करना। दूसरा, उन महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं समायोजन करना, कहीं आंगनवाड़ी में, कहीं आशा वर्कर में, कहीं रसोईया में, गांव के अंदर गांव के रसोईया में, गांव के अंदर उन्हें अन्य तमाम योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके।
और सरकार इस दिशा में भी एक प्रयास कर रही है। इस योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हर एक असहाय निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है और केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार का संबल देना चाहती है। हमारा भी दायित्व तो बनता है समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसे हर उस व्यक्ति के साथ जिसने इस कोरोना महामारी के अंदर अपने किसी स्वजन को खोया है, प्रियजन को खोया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, उन्हें हर प्रकार का हमारा सपोर्ट होना चाहिए, उन्हें हम हर प्रकार से एक संबल दें क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तभी चल पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमें कहीं लापरवाही नहीं करनी है, ये लापरवाही खतरनाक हो सकती है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, स्वयं का बचाव करते हुए अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण में प्रत्येक नागरिक को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक जरूर करें, उसके प्रति निरंतर उन्हें अलर्ट रखें कि कहीं लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर को भी बचाने के लिए, तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने अभी से उपाय प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने पहले बताया कि बच्चों की दवाइयां गांव-गांव पहुंच रही, निगरानी समिति गांव में और मोहल्लों में लेकर के दवाओं को लेकर के निकल चुकी है, साथ साथ स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी तेजी के साथ चल रही है। और यही नहीं, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से पूरी तरह वैक्सीनेट करने के लिए भी सरकार कार्रवाई करे, यानी उन्हें समय से टीका लग सके, तीसरी लहर के पहले अभिभावक को हम सुरक्षित कर सके, इसके लिए सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के स्पेशल जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में स्पेशल बूथ उनके लिए बनाए जा रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा, मैं देख रहा था खासतौर पर गोरखपुर में भी पहला डोज लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन दूसरे डोज के लिए बोलना पड़ रहा है। आपका कार्ड मिला है, उस कार्ड में लिखा है कब तक आपको दूसरी डोज लेनी है, आप उस कार्ड के अनुसार या जो भी आसपास के आपके अगल बगल कोई भी व्यक्ति है जब उसका नंबर आता है उस दिन वो जरूर जाकर के अपना डोज जरूर ले लें, लेट ना करें, लापरवाही ना करें, इसमें कमी देखने को मिल रही है। अगर फर्स्ट डोज ले लिया है तो निर्धारित समय में दूसरा डोज भी जरूर ले लें। अगर हम दूसरा डोज निर्धारित समय में ले लेते हैं तो ये बड़ा एक सुरक्षा कवच दे सकता है। ये देखने को मिला कि अगर वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति पहला डोज लेने के बाद या दोनों डोज लेने के बाद अगर वह इन्फेक्शन की चपेट में आया है, कोरोना की चपेट में आया है, तो कोरोना बहुत हल्का रहा उनके लिए, सामान्य सर्दी जुकाम जैसा रहा, या जिसने एक डोज भी ली उस पर भी कम असर रहा, लेकिन जो लापरवाही करता रहा उसके लिए वह खतरनाक हो गया। और इसलिए लापरवाही किसी भी स्तर पर कोरोना के मामले में कतई नहीं होना चाहिए। हमें विकास भी करना है और विकास के साथ साथ बचाव भी करना है, जीवन भी बचाना है और हर व्यक्ति की जीविका को बचाने के लिए भी अभियान चलाना है। ढेर सारे अभियान चल रहे हैं इस समय सरकार के और हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। कोरोना कालखंड में अभी हाल ही में आपने देखा होगा माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक मॉडल की सराहना की और मॉडल थी जब प्रवासी कामगार और श्रमिक बाहर से आए थे, इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए स्किल मैपिंग का एक कार्यक्रम चलाया गया था, उनको रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम चलाया गया था। लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया था। ये 40 लाख कामगार और श्रमिक जो उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग गांव और कस्बों में आया, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपना स्किल था, वे थोड़ा प्रयास करें और उस प्रकार का उन्हें अवसर उपलब्ध करा दिया जाए
तो वहां बहुत अच्छे ढंग से अपनी घर गृहस्थी को यहीं पर संचालित कर सकता, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकता है। उसे यहां से उत्तर प्रदेश से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने जनपद से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसके लिए शासन की विभिन्न योजनाएं, उन योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ करके बैंकों से सस्ते दाम पर लोन दिलवाने, शासन की सब्सिडी का लाभ दिलवाने, चाहे वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, ये तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से इस स्किल मैन पावर को जोड़ करके हम बैंकों से लोन दिलवाने में और उनके माध्यम से अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में, जिसके साथ न केवल वो स्वावलंबी होगा, उसका पूरा परिवार भी स्वरोजगार के साथ जुड़ेगा और गांव और उसके आसपास के लोगों को भी गांव में ही कार्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। एक अभियान के रूप में से लेने की आवश्यकता है। पीएम स्वनिधि योजना, कल गोरखपुर नगर निगम में इससे जुड़े हुए कुछ स्वयं सेवकों को इसके साथ जोड़ा है। पटरी व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। हम जानते हैं कि कोरोना कालखंड में प्रभावित होने वाला जो तबका है वो पटरी व्यवसायी भी है, क्योंकि रोज कमाने वाला व्यक्ति है और उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से जो उसने लोन लिया है वह लोन चुकता करने में कुछ दिक्कतें थी। सरकार उसके बारे में कार्य कर रही है, सरकार उनको संबल देगी, लेकिन अन्य पटरी व्यवसायी जितने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ था उतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ अब तक न ले पाने के कारण हम लोग उस अभियान को एक बार अपने अपने कस्बे में अगर समीक्षा कर सकेंगे तो उसका लाभ वे तमाम लोग ले सकते हैं जिनके लिए योजनाएं बनी हुई थी। प्रदेश सरकार की एक जनपद एक योजना में तमाम ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। सरकार इसमें अच्छी सब्सिडी भी दे रही है। बैंकों के साथ सरकार के निरंतर संवाद के कारण बैंक भी आसानी से उन्हें लोन देने की व्यवस्था भी करेगी। लेकिन याद करना होगा कि हम केवल बैंक में जाकर के कह दें हमें लोन मिल जाए, इससे नहीं मिलेगा। हमें अपनी ठोस कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत करनी होगी। उसके लिए कुछ अच्छे उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बातचीत करके अगर हम उस कार्य योजना को बना करके प्रस्तुत कर सकेंगे, ढेर सारे नौजवानों को रोजगार की संभावना विकसित होगी। और मेरी अपील होगी, जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, किसी भी स्तर पर, चाहे वह यात्रा का हो, चाहे वह कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो, हमें उससे परहेज करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही फिर आपको प्लान करने के लिए वहां से मजबूर कर देगी और फिर जो स्थिति आपने विगत वर्ष देखी होगी उस प्रकार की स्थिति ना आने पाए, हमें इसके बारे में अवश्य कार्य जरूर विचार करना होगा। भाइयों बहनों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपके लिए यहां पर समर्पित हो रही है। जो योजनाएं बनी हैं इनका लाभ आपको सबको प्राप्त हो रहा होगा। जो योजनाएं आने वाले समय में लागू होने वाली है, समयबद्ध ढंग से संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था इसको संपन्न करने में अपना योगदान दे। याद रखना, विकास के लिए जितना पैसा जाता है उस पैसे का सही सही इस्तेमाल होना चाहिए। वह पैसा अगर जनता के हित के लिए और विकास की उन परियोजनाओं में समय पर खर्च हो जाए और परियोजना का कार्य समय पर प्रारंभ होना और समय पर पूरा होना अगर ये हो जाए तो उसी लागत में एक बड़ी आबादी को लाभान्वित किया जा सकता है। हमें इस पर जरूर ध्यान देना होगा। आज के इस अवसर पर मैं विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के लिए, क्योंकि
अब तो गोरखपुर जिन कार्यों के लिए तड़पता था, जो एक यहां के लोगों की अरसे से जो मांग थी वे सभी पूरी हुई हैं। बिहारी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस समय बन चुका है, लेकिन साथ साथ बिहारी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स भी गोरखपुर में बनकर के तैयार है। हमारा प्रयास है कि एम्स और फर्टिलाइजर, इन दोनों का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अक्टूबर में हो, और अक्टूबर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इन्हें पूर्वांचल वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित कर दिया जाए। आप सोचिए, एम्स विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा, फर्टिलाइजर चलेगा तो किसानों को सस्ते में खाद भी मिलेगी, और ढेर सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी यहां पे उपलब्ध होंगी। पर्यटन की अनेक संभावनाएं यहां पर हैं। आज जिन परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इसमें केवल सड़क और नाली नहीं है, इसमें तमाम प्राचीन और पौराणिक महत्व के मंदिरों के पर्यटन विकास के कार्यक्रम भी हैं। यानी उन मंदिरों को जो व्यापक आस्था के केंद्र हैं, पर्यटन विभाग के माध्यम से उनके पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हुआ और आज उनको हम लोकार्पित कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, गोरखपुर ग्रामीण में भी है, पांच गांव में भी है, सैचनवा में भी है, पर्यटन विकास से संबंधित पिपराइज विधानसभा क्षेत्र का भी है, चोरी चोरा विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हुए परियोजनाएं हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जुड़ी हुई ये परियोजनाएं पर्यटन से जुड़ी हुई हैं, अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी आप देखते होंगे पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कोई पर्यटन विकास की योजना तैयार होती है, वो केवल विकास की तक सीमित नहीं होती है, याद रखना वो रोजगार भी सृजित करता है। अगर गांव का कोई मंदिर है, भावपार में शिवालय है, आपने देखा होगा कितना प्राचीन मंदिर है, मंदिर है, मंदिर का पर्यटन विकास शासन ने संपन्न किया, लेकिन शासन ने उसको संपन्न करने के साथ साथ वहां पे ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के सृजन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी। कोई अगरबत्ती बेचता होगा, कोई फूल पत्ती बेचता होगा, कोई प्रसाद बेचता होगा, कोई अलग 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 कार्य के साथ जुड़ा होगा, कोई वहां पे पुरोहित का कार्य करेगा, कोई वहां पर आचार्य के रूप में अपना कार्य संपन्न करेगा, अलग अलग प्रकार के कार्य, कोई सफाई के कार्य के साथ जुड़ेगा। यानी इतने एक मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, एक मंदिर से इतने ढेर सारे कार्य और इतने ढेर सारे लोग रोजगार के अलग अलग कार्यों के साथ जुड़ सकते हैं, और उस रोजगार का लाभ बेहतर तरीके से हम स्थानीय स्तर पर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने में दे सकते हैं। हमें इन संभावनाओं को बढ़ाना होगा, और हमारा प्रयास हो जो विकास हो, सरकार विकास के लिए पैसा जो देती है वह विकास अस्थाई रूप से, सतत रूप से आगे बना रहे, उसकी देखभाल करना, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करना, यह हमारा दायित्व तो बनता है। साफ सफाई के लिए सरकार पर निर्भरता उचित नहीं, सरकार उतना करेगी जितना सरकार का दायित्व तो भी है, लेकिन मेरा भी तो कुछ दायित्व होगा कि मैं भी अपनी इस क्षेत्र की या मेरे गांव की या मेरे कस्बे का कोई मंदिर है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन और साथ साथ गांव या उस कस्बे के लोग अगर जागरूक होकर के उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, उसका बेहतर लाभ बहुत समय तक आपको प्राप्त होगा, आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा, और जब भी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में स्मरण करेगी तो जरूर इस बात को तय करेगी कि देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई कि हमारे इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर या उस व्यवस्था को, उस आस्था के केंद्र को न केवल सुंदरीकरण बल्कि उसके उसको अक्षुण्य बनाए रखने में भी उन लोगों ने सबने अपना योगदान दिया है। यह हम सबका दायित्व बनता है
आज के इस अवसर पर यहाँ पे रामगढ़ ताल परियोजना का कार्य बहुत शीघ्र पूरा होगा, उसमें कुछ कार्य अभी प्रारंभ होने हैं। चिल्वा ताल में भी पर्यटन की एक संभावना बन रही है और आज उसकी भी एक परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। फर्टिलाइजर कारखाना बनने के साथ ही, लोकार्पण के साथ ही चिल्वा ताल की पर्यटन की संभावनाएं। चिल्वा ताल का पानी न केवल फर्टिलाइजर कारखाना को चलाने में उपयोगी होगा बल्कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी करेगा। यानी हम सौभाग्यशाली हैं, देश के अंदर और दुनिया के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा मीठा जल हमारे यहां हमेशा बहता रहता है, हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। चिल्वा ताल का सुंदरीकरण की जिस कार्य योजना को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, पर्यटन विकास के साथ साथ फर्टिलाइजर कारखाना, उनके टाउनशिप की व्यवस्था और पेयजल के साथ साथ सिटी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई वहां से प्रस्तावित की गई है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ महानगर और जनपद वासियों को प्राप्त होगा। विकास के तमाम जो परियोजनाएं आज यहां पर लोकार्पित की जा रही हैं, इन सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो। जो परियोजनाएं आने वाले समय में पूरी होनी है वे समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरी हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज की इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के कमल चरणों में सादर। महाराज जी जब भी गोरखपुर में आते हैं तो गोरखपुर के विकास में एक कड़ी और जोड़ते हैं। आज उन्होंने विकास कई करोड़ विकास योजना की घोषणा किया है, रामगढ़ ताल की चर्चा किया है, चिल्वा ताल के पर्यटन को के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने कहा है, रामगढ़ ताल पर काम हो रहा है अभी और बाकी है, उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। गोरखपुर में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं कहा गया है कि जनता को उससे जोड़ने से का काम किया जाए, लोगों को बतलाया जाए कि ये योजनाएं चालू की गई हैं, उनको ठीक से करवाया जाए।